हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिप्लेक्स डीएनए के बारे में कि ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होता है, एचडीएनए क्या होता है। अब तक आपने देखा होगा कि डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप डबल स्ट्रैंड डीएनए के बारे में देखिए, अगर आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए अच्छी तरह से पता है तब हम बात करेंगे ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप अनअकैडमी पर कंप्लीट कोर्स जहाँ पर परफेक्ट स्टडी कर सकते हो, हर मंडे को नए बैच बन रहे हैं, आप किसी भी बैच में हर मंडे को एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेज मिलेंगी, समय समय पर टेस्ट करवाए जाएंगे और वहाँ पर पूरी पर्सनल कोचिंग के साथ साथ आपको स्टडी प्लानर और स्ट्रक्चर कोर्सेज के पीडीएफ नोट्स सब आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और यहाँ पर आप जब सब्सक्रिप्शन लो तो सब्सक्रिप्शन लेते समय जब आप वहाँ पर अपने अमाउंट डालो तो अमाउंट डालने से पहले आप हमारा कोड ULS10 यूज़ कर लेना। ULS10 कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% जो आपका अमाउंट दिख रहा है उसमें 10% कम हो जाएगा। और यदि आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या उसके लिए टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हो या अनअकैडमी में यदि आप जिनके CSIR UGC नेट के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर अभ्यास टेस्ट सीरीज हो रहा है इनके बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा सभी सब्जेक्ट्स में। तो ये स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से, 10 बजे आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेक्चर्स भी लाता रहूँगा और इस बार हम कंप्लीट लाइव लेक्चर्स के साथ स्टडी करेंगे, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से लाइव पूछ सकते हो। तो मैं और देखते हैं कि क्या होता है ट्रिप्लेक्स डीएनए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिप्लेक्स डीएनए कैसे बनता है। ट्रिप्लेक्स जो ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म में अकर ड्यू टू एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसेज। अब देखिए, हमें पता है जो दो स्ट्रैंड बने होते हैं जो डीएनए के, वाटसन क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे होते हैं, एडेनिन बॉन्डिंग करता है थायमिन से, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ग्वानिन बॉन्डिंग करता है साइटोसिन से, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को कहते हैं वाटसन क्रिक बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्डिंग नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी एक तीसरा स्ट्रैंड भी इसके इन दो डबल स्ट्रैंड के बीच में हमें मिलता है। और ये जो ऐसा कंडीशन बनती है वो बनती है लो पीएच कंडीशन में, हर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं बनता, लो पीएच कंडीशन में ऐसी बनती है। और ये जो तीसरा स्ट्रैंड जुड़ता है वो कैसे जुड़ता है, वो जुड़ता है दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कहते हैं हूगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या कहते हैं, हूगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये हूगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पर इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वहाँ पर पहले से कोई प्यूरीन स्ट्रैंड प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्यूरीन स्ट्रैंड से ये बॉन्डिंग करता है, जो नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रैंड आता है, जैसे एटी बेस पेयर से दूसरा थायमिन बेस पेयर वाली जो स्ट्रैंड आकर जुड़ सकता है, जो जहाँ पर पहले से बेस पेयरिंग हो रही तो एक थायमिन यानी एक पिरिमिडिन और आकर उससे बाइंड हो जाता है। हम डायग्राम द्वारा नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि कैसे जुड़ता है। और साइटोसिन भी यहाँ पर जुड़ सकता है पहले से जीसी वाली रिंग में, कि जीसी वाला पहले से प्रेजेंट है और साइटोसिन और एक्स्ट्रा आकर इसमें जुड़ सकता है। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल देन डबल हेलिक्स। जो ट्रिपल हेलिक्स जो ये स्ट्रैंड जो डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है जो ये जो बैकबोन होती है डीएनए की, इस डीएनए की बैकबोन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब नेगेटिव चार्ज ये तो फिर भी दोनों दूर दूर रहते हैं, लेकिन जो तीसरे स्ट्रैंड रहता है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन होता है और रिपल्सन के कारण ये स्टेबल नहीं हो पाती है, तो ये लेस स्टेबल होती है। अब देखिए किस प्रकार से ये हूगस्टीन बॉन्ड बनते हैं, हूगस्टीन बॉन्ड कैसे बनते हैं पहले समझते हैं इस स्लाइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए आप डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्वानिन है,
ये ग्वानिन, यहाँ पर ये ग्वानिन साइटोसिन से तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड है जिनको हम वाटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप एडिनिन बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, किससे, थायमिन से। तो ये प्यूर, ये क्या है, ग्वानिन प्यूरिन है, एडिनिन प्यूरिन है, किससे बॉन्ड कर रहा है, साइटोसिन पिरिमिडिन से और थायमिन पिरिमिडिन से। अब ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, लेकिन तीसरा जो स्ट्रैंड जुड़ता है वो जुड़ता है हुगिस्टिन बॉन्डिंग के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा नाइट्रोजन बेस है यानी साइटोसिन आ गया, ग्वानिन साइटोसिन के दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर देख लीजिए ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया। और यहाँ पर देखिए आप जो एटी जो बेस पेयरिंग है उसमें एक्स्ट्रा थायमिन आ गया, ये भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ गया। तो इस प्रकार से ये ट्रिप्लेक्स डीएनए बनता है। और कौन सी कंडीशन में बनता है, ये बनता है लो पीएच कंडीशन में। तो अब लो पीएच कंडीशन में जब बनता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा स्टेबल होता है, इसी के कारण हम इसको एच डीएनए कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा स्टेबल रहता है। वाटसन क्रिक बॉन्डिंग के साथ साथ इसमें हुगिस्टिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी पाई जाती है। इस प्रकार से कुछ ऐसे देख सकते हो आप किस कैसे बॉन्डिंग होती है इसमें। जैसे ये यहाँ पर पहले से ही एक कोई डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, और ये जो बॉन्डिंग है ये जो डॉट्स के द्वारा दिखाए हुए हैं ये तो है आपकी वाटसन क्रिक बॉन्डिंग। और यहाँ पर ऊपर जो बॉन्डिंग दिखा रखे है वो है हुगिस्टिन बॉन्डिंग, ये है हुगिस्टिन बॉन्डिंग। तो इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में ये जो है ये तो क्या है, देखिए यहाँ पर थायमिन और साइटोसिन है, तो हम इस स्ट्रैंड को बोलते हैं पॉलीपिरिमिडिन, क्योंकि ये सारी पिरिमिडिन है तो ये पॉलीपिरिमिडिन चेन है। पॉलीपिरिमिडिन के सामने क्या होगी, पॉलीप्यूरिन चेंज। अब पॉलीप्यूरिन से ही ये जो ट्रिप्लेक्स जो हुगिस्टिन बॉन्डिंग होगी वो कौन से होगी, पॉलीपिरिमिडिन से। तो पॉलीपिरिमिडिन दो, यहाँ पर ये पॉलीपिरिमिडिन हो गई, ये पॉलीपिरिमिडिन हो गई और बीच में पॉलीप्यूरिन हो गई। तो पॉलीप्यूरिन होना इसमें आवश्यक है, अदरवाइज इसमें बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। जो ट्रिप्लेक्स डीएनए कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। ये तो सिंप्लेक्स नीचे बच गया और यहाँ पर ट्रिप्लेक्स डीएनए बन गया। तो इस प्रकार से बनता है ट्रिप्लेक्स डीएनए। तो अब तक आपने पढ़ा होगा डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये ट्रिप्लेक्स डीएनए भी कुछ कंडीशन में बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रिप्लेक्स डीएनए किस प्रकार से बनता है, हुगिस्टिन बॉन्डिंग क्या होती है। यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।